हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है ओम दुबे और अभी रिसेंटली अभी विजय महार जी ने फोटो एडिट करके डाले इंस्टाग्राम में, तो मैंने सोचा कि आपके लिए ऐसी ट्यूटोरियल ला दूं। अगर आपको भी अपनी फोटो को कुछ इस प्रकार से एडिट करना है तो प्लीज़ देखते रहेगा मेरे वीडियो लास्ट तक। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, साइड का बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, अब भी अपलोड करा था एक तो वीडियो, तो आपने देखा नहीं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और देख रहे हो भाई की मेहनत, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो और सब्सक्राइब करके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, फोटो एडिट करने के लिए आपको अपना जो मॉडल का बैकग्राउंड है उसको इरेज कर लेना है, ठीक है। और मैं आपको, अगर आपको बनता नहीं कि कैसे इरेज करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको ऊपर में आई बटन में दे दूँगा आपको एक तो वीडियो, तो आप उसको देख के कर लीजिएगा अपने बैकग्राउंड को इरेज। तो मैं इसको इरेज कर लिया हूँ, उसके बाद में मैं आला आपको दे दूँगा बैकग्राउंड, ठीक है। तो इसको कर लेना है आपको अपने पिक्सआर्ट में ओपन, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। और फिर हमारा जो बैकग्राउंड है ये ओपन हो चुका है यहाँ पे। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से करना है ऐड फोटो, और जो हमने अभी PNG क्रिएट किए हैं उसको ऐड कर लेना है आपको, और यहाँ पे कर लेना है एडजस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और ये हो चुका है एडजस्ट। उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लूँगा नीचे की साइड में मैं, तो देखते जाइए आप। तो ये इरेज हो चुका है, इसके बाद मैं उसको कर लेते हैं डन। और इसके बाद में आपको यहाँ से भी कर लेना है डन। और फिर यहाँ पे मैं एक तो PNG दूंगा वाटर की, तो आपको इसको ऐड कर लेना है और फिर एडजस्ट कर लीजिएगा आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। आपकी फ़ोटो में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कीजिएगा यहाँ पे वाटर का, तो आपकी फ़ोटो बहुत शानदार दिखेगी। रियल थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिएगा, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, पर आप आराम से करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे थोड़ा फेस में आ गया है, तो इसको मिटा देता हूँ मैं। तो यहाँ से हम लोग डन कर लेंगे। और एक और बार मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको अच्छी अपनी क्रिएटिविटी दिखाना पड़ेगा, तो आप और दे दीजिएगा और यहाँ पे कर लीजिएगा ऐड। तो यहाँ पे मैं करके देखता हूँ, तो यहाँ से करके देखता हूँ इरेज में थोड़ा सा, और यहाँ से थोड़ा सर से पानी निकल रहा है, ऐसे दिखाना पड़ेगा। और आप अपने अनुसार कर लीजिएगा जैसा आपको अच्छा लगे। तो यहाँ से मैं नीचे से भी निकाल देता हूँ थोड़ा पानी, तो बहुत बढ़िया लगेगा हमारी फ़ोटो। तो यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना साइज और कर लीजिएगा इरेज, और यहाँ से कर लेते डन। और यहाँ से मैं कर लेता हूँ डन, और उसके बाद में यहाँ पे हमारा पिक्सआर्ट का काम हो चुका है। इसके बाद में मैं यहाँ से चल जाता हूँ ड्रॉ में, और यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे कर लूँगा सेव, ठीक है। तो यहाँ पे आप छोटा सा लगाइए, जल्दी से थोड़ा सा बड़ा सा लग गया। तो इसके बाद में हमको जाना है अपने लाइटरूम ऐप में, यहाँ से हम लोग अपने लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेते हैं और अपनी जो फ़ोटो है उसको कर लेते हैं यहाँ से ऐड, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए आप, तो यहाँ से कर लेते हैं हम ऐड, और यहाँ पर हमारी फ़ोटो ओपन हो रही है, ठीक है। तो ये ओपन हो चुकी है, इसके बाद में हम लोग यहाँ पर कर लेंगे थोड़ा सा एडजस्टमेंट। तो यहाँ से क्लियरिटी को थोड़ी बढ़ाते हैं हम, और इसे भी बढ़ाते हैं, और विग्नेट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हमको करना है यहाँ पे मैक्सिमम क्लिक, और फिर यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर लीजिए, अपने फेस को थोड़ा वाइट कर लीजिएगा, और आपको जो भी करना है एडजस्टमेंट आप कर लीजिएगा। तो यहाँ से डन कर लेता हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते यहाँ पे। तो यहाँ पे कर लीजिएगा आप एडजस्टमेंट अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग। तो इसको कर लेता हूँ मैं इतना, और ये भी कर लेता हूँ, इसको कम ज़्यादा कर लेता हूँ, और आप थोड़ा और फेस वाइट कर लेता हूँ यहाँ पर मैं। सो गाइज, ये हो चुका है। तो हमारी फ़ोटो पिक्सआर्ट में आपने देखे होगी तो कुछ इस प्रकार से थी, और हम लोगों ने अपने लाइटरूम में कुछ ऐसा कर लिया है अपनी फ़ोटो को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साइड का बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग सेव कर लेते हैं अपनी फ़ोटो को, तो यहाँ पर सेव टू डिवाइस और ओके, तो ये सेव हो रही है। ओके, बाय।